नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं धौलपालिया गांव में, जहां पर कुमारी शैलजा का कार्यक्रम था। काफी लोग यहां पर मौजूद रहे हैं और कुमारी शैलजा से हम बात करते हैं, किस तरह से जो लोगों का रुझान है वो कितना उनको मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट कितना, सहयोग जो है वो मिल रहा है, और इसके अलावा बीजेपी की क्या जो एक हालात जो बनी हुई है उसके बारे में इनका क्या कुछ कहना है, उनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ कहना है आज के कार्यक्रम के बारे में? देखो, लोग बड़े गर्म जोशी से स्वागत कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसको व्यक्तिगत बात नहीं मानती, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का जो लगाव है और उम्मीद है और भाजपा से जो रोष है लोगों का, वो आपको साफ नजर आ रहा है। भाजपा छोड़कर भी लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, हमारे धौलपालिया गांव में भी इन्होंने ज्वाइन किया, तो सबका स्वागत है। आगे की यही बात है कि 10 साल से भाजपा का जो शासन रहा उससे लोग दुखी हैं और अब आने वाला वक्त लोगों का होगा। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर यहां पर आए थे आज, माता सिंघाना में रैली की है, क्या कुछ कहना है, कितना मतलब आप कितने आश्वस्त हैं उस रैली के बावजूद? देखो नहीं, ये लोग तो आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी, लेकिन जब लोगों का दिल आप खो बैठो और लोगों के साथ आप इस तरह से धोखे की राजनीति करो, कहो कुछ, वायदे बहुत करो और जमीन पर कुछ ना हो, तो लोग सवाल पूछेंगे। और आज अगर आप लोगों के बीच में जाओगे, उसका जो 10 साल में आप नहीं कर पाए, आज क्या नई बात बता देंगे। हरियाणा की क्या स्थिति मानते हैं, 10 सीटें हैं हरियाणा में, 10 की 10 अलायंस की।